क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी पृथ्वी शॉ को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीता और दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने शानदार शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को। दोस्तों इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने काफी धाकड़ और काफी तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर अंत में आकर बोल्ड हो गए रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 51 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते पृथ्वी शॉ चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद भी डेविड वार्नर ने अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। तीसरे नंबर पर आए थे कप्तान ऋषभ पंत इस तूफानी मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए और श्रेयस अय्यर के बाद काफी बड़े कप्तान थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस शॉर्ट गेंद पर फंस गए रसल की ऋषभ पंत कैच दे बैठे उमेश यादव को बाउंड्री पर और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद ललित यादव भी इस तरीके से LBW आउट हो गए नारायण की घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों इस मुकाबले में ललित यादव मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें इनके पास खतरनाक बल्लेबाज रोमन पोवेल भी नारायण की गेंद पर रिंकू सिंह को अपनी कैच दे बैठे इस तरीके से, जिसके चलते रोमन पोवेल भी मात्र 8 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर, जिन्होंने इस मुकाबले में 61 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया था। तभी वो भी उमेश यादव की इस गेंद पर रहाने को कैच दे बैठे और 61 रनों की तूफानी पारी खेल 45 गेंदों में डेविड वार्नर की शानदार पारी समाप्त हुई। दोस्तों अंत में मैच को फिनिश किया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने। दोस्तों इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 22 रनों की तूफानी पारी खेली, वो भी सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए। तो उनके साथ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने 29 रन लगाए सिर्फ 11 गेंदों में और दिल्ली को पहुंचा दिया 215 रन पर। जी हां दोस्तों डेविड वार्नर पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल की तूफानी पारियों के बदौलत 215 रन बना चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप दिल्ली की इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों मुंबई इंडियंस को मिली है करारी हार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने और अब पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है मुंबई की टीम। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट कोहली और बुमराह में से कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है, इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों इसी मुकाबले में विराट कोहली ने सबसे बड़ा जीवन दान दिया था मुंबई इंडियंस को कि मुंबई इंडियंस वापसी कर सके इस तूफानी मुकाबले में और शर्मनाक हार से बच सके। जी हां दोस्तों ये मौका खुद विराट कोहली ने दिया था। दोस्तों ये बात है मैच के 14वें ओवर की जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। दोस्तों ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी जसप्रीत बुमराह ने 14वें ओवर की और विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला, लेकिन गेंद गिरी जाकर बेरल ब्रेविस की गेंद पर, लेकिन उन्होंने दूसरे हाथ से गेंद छटक दी। दोस्तों आप सभी को बता दें ये था वो शॉट जो विराट कोहली ने सीधा खेल दिया था। दोस्तों गेंद जाकर गिरी ही थी गोदी में, लेकिन उतने ही दूसरे हाथ से छटक गई बेरल ब्रेविस के हाथों से गेंद और विराट कोहली की बड़ी विकेट छूट गई। दोस्तों इस वक्त 50 रन चाहिए थे सिर्फ 36 गेंदों में, जिसे देख रोहित शर्मा का हाल कुछ ऐसा हो गया था और जसप्रीत बुमराह इस सदमे से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है यहां अगर विकेट मिल जाती एक या दो तो मैच बदल सकता था। लेकिन उसके बाद अंत में आकर मैक्सवेल ने मैच को फिनिश किया और रोहित शर्मा पूरी तरह से हैरान नजर आते हुए इतनी करारी हार के बाद। ऐसे में खुद विराट कोहली के जीवन दान देने के बाद भी मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत नहीं पा। तो दोस्तों आपको इस पूरे कारनामे पर क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है और एक और बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने मुंबई इंडियंस को एक करारी हार हरा कर रख दिया है तूफानी मुकाबले में 7 विकेटों से। इस मुकाबले के असली मैच विनर विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए अंत तक बल्लेबाजी करने के बाद भी, हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी उसके बाद भी उन्हें आउट दिया गया। दोस्तों आइए उस नजारे पर चलते हैं जहां विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्सा हो गया थर्ड अंपायर के ऊपर। दोस्तों ये बात है मैच के 18वें ओवर की जब दिनेश कार्तिक विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों 18वां ओवर रोहित शर्मा ने बेवेल ब्रेविस को दिया गेंदबाजी करने के लिए विराट कोहली के सामने। 212 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे। 18वें ओवर की पहली गेंद ब्रेविस ने जैसे ही डाली तो विराट कोहली से खेलने के चक्कर में मिस कर बैठे और गेंद लग गई बैट्स पर, जिसकी अपील पर अंपायर ने इसे आउट दिया दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे अंपायर ने आउट दिया तो विराट कोहली ने तुरंत ही रिव्यू लेने का फैसला किया, वो कॉन्फिडेंस से कि बल्ले का एज लगा है। अब जैसे ही थर्ड अंपायर के पर डिसीजन गया तो थर्ड अंपायर ने देखा कि बल्ले और गेंद को दोनों को साइमल्टेनियसली लग रही है, ऐसे में बैट्स और बल्ला दोनों साथ में लग रहा है, जिसके चलते एज लगने के बावजूद भी अंपायर ने इस डिसीजन को आउट दिया। दोस्तों जिसके चलते 48 रन बनाकर विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्से में अपने बैट को पटकते हुए वापस पवेलियन लौट गए। दोस्तों विराट कोहली के अनुसार ये नॉट आउट देना चाहिए था क्योंकि बल्ले का एज लगा था, उसके बाद गेंद बैट्स पर लगी थी। हालांकि इतना होने के बावजूद भी 48 रन पर विराट कोहली को आउट दिया गया 36 गेंदों का सामना करते हुए। तो दोस्तों क्या आपको लगता है क्या विराट कोहली आउट दे या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस का तूफानी मुकाबला। तो आइए आपको बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है, इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों आईपीएल 2022 का सबसे रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम
मुंबई इंडियंस के बीच में शुरू हो चुका है। दोस्तों टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में फैफ डुप्लेसी आरसीबी के कप्तान टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम, शुरुआत मुंबई की खराब रही। दोस्तों इस तरीके से रोहित शर्मा हर्षल पटेल की घूमती हुई गेंद पर टच कर बैठे और सामने वही खड़े थे और उन्होंने ही कैच पकड़ी और हर्षल पटेल के हाथों कैच एंड बोल्ड हो गया। रोहित शर्मा 26 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पहली विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बेबी एबी डिविलियर्स इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। दोस्तों बेवाल्ड ब्रेविस पूरी तरह से विकेटों के सामने आ चुके थे हसरंगा की घूमती हुई गेंद पर, जिसके चलते 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते बेवाल्ड ब्रेविस आउट होकर रह गए। उनके बाद ईशान किशन मैदान पर 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी आकाशदीप की शॉर्ट गेंद पर खेलने के चक्कर में सामने खड़े बाउंड्री पर सिराज को अपनी कैच दे बैठे ईशान किशन और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों ईशान किशन 26 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक वर्मा। दोस्तों इन्होंने गेंद को टच किया, टच करके रन लेने के लिए दौड़ ही रहे थे कि मैक्सवेल ने दूसरे एंड से रन आउट कर दिया। इस तरीके से क्रीज के अंदर वो नहीं आ पाए, जिसके चलते तिलक वर्मा मात्र 0 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद सबसे बड़ा झटका लगा मुंबई को पोलार्ड के रूप में, जो इस तरीके से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए हसरंगा की घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों मात्र 0 रन बनाकर पोलार्ड आउट हुए, जो सबसे बड़ी विकेट थी। दोस्तों उनके बाद रमनदीप सिंह आए थे, लेकिन ये भी 6 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन मैदान पर 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव और इन्होंने मुंबई की किस्मत के सिक्के पलट दिए इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। दोस्तों इस मुकाबले में अंत तक नाबाक और तूफानी बल्लेबाजी की सूर्य कुमार यादव ने और मुंबई को एक सम्मानजनक टोटल तक भी पहुंचाया। दोस्तों इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया और अंत में आकर 68 रनों की धाकड़ पारी खेली सिर्फ 37 गेंदों में, जिसमें से इन्होंने 6 तूफानी छक्के व 5 तूफानी चौके जड़े। उनके साथ जयदेव उनादकर ने 13 रनों की पारी खेली। दोस्तों आप सभी को बता दें 151 रन लगा चुकी है मुंबई इंडियंस की टीम 6 विकेट के नुकसान पर सूर्य कुमार यादव की पारी की बदौलत। इतने टारगेट का पीछा करने उतरी आरसीबी की टीम। आरसीबी की तरफ से कप्तान फैफ डुप्लेसी और इनके युवा बल्लेबाज अनुज रावत ने आरसीबी को शुरुआत 50 से ज्यादा रनों की दिलाई बिना कोई विकेट खोए। दोस्तों उनके बाद पहली विकेट गिरी इस तरह से फैफ डुप्लेसी के रूप में, जो जयदेव उनादकट की गेंद को सामने खेल बैठे और सूर्य कुमार यादव ने इनकी शानदार कैच पकड़ी, जिसके चलते इस मुकाबले में फैफ डुप्लेसी 16 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन इस विकेट का ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, क्योंकि उनके बाद अनुज रावत मैदान पर थे बल्लेबाजी करने के लिए, उनका साथ देने आए विराट कोहली। दोस्तों इस बार काफी अनोखी बल्लेबाजी की अनुज रावत ने और पूरी मुंबई इंडियंस के रोंगटे खड़े कर दिए अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। दोस्तों इस मुकाबले में अनुज रावत ने 6 छक्के व 2 चौके लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और सभी को अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हैरान कर दिया। तूफानी मुकाबले में तो वे उनका बाखूबी साथ दे रहे थे विराट कोहली, दोनों ने मिलकर लगभग 99% ये मुकाबला जिता दिया आरसीबी को। अंत में अगर अनुज रावत इस तरीके से नाब सिंह की डायरेक्ट हिट पर रन आउट हो बैठे, जिसके चलते अनुज रावत 67 रन बनाकर 47 गेंदों का सामना करते हुए शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। दोस्तों उनके पास 48 रन पर इस तरीके से बिरोय बेविस ने एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया विराट कोहली को, ये भी अंत में आउट हुए। 48 रन बनाकर 36 गेंदों का सामना करते हुए 2 रन अपने अर्धशतक से चूक गए विराट कोहली। लेकिन मैच को एक और बार तूफानी तरीके से फिनिश करने की जिम्मेदारी थी दिनेश कार्तिक के ऊपर और उनका साथ देने आए थे ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों एक ही ओवर में ग्लेन मैक्सवेल ने 2 करारे चौके लगाकर शानदार तरीके से 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर आरसीबी को तूफानी मुकाबला जिता दिया। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 7 विकेटों से मुंबई इंडियंस को एक करारी हार हरा कर रख दी है और साथ ही साथ पॉइंट टेबल पर तीसरे नंबर पर आ चुकी है आरसीबी की टीम। तो दोस्तों आप आरसीबी की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है चेन्नई सुपर किंग्स बनाम हैदराबाद का तूफानी मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम हैदराबाद का आईपीएल 2022 का 17वां मुकाबला। दोस्तों टॉस की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में केन विलियमसन, जो कि हैदराबाद के कप्तान है, टॉस जीता इन्होंने और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स पहले बल्लेबाजी करने उतरी सीएसके की तरफ से रॉबिन उथप्पा और उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ शुरुआत करने आई चेन्नई सुपर किंग्स की, लेकिन शुरुआत इस बार खराब रही। दोस्तों वाशिंगटन सुंदर की इस घूमती हुई गेंद पर शॉट तो खेला रॉबिन उथप्पा ने, लेकिन गेंद के नीचे आ गए एडम मार्करम, जिसके चलते इस मुकाबले में रॉबिन उथप्पा 15 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके ठीक बाद नटराजन ने पूरी तरह से क्लीन बोल कर रख दिया दूसरे सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को और एक और बार खराब बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते हुए नटराजन के हाथों आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मोइन अली ने एक अच्छी पारी खेली और 48 रन पर पहुंच चुके थे, तभी छक्का लगाने की चाह में, अर्धशतक पूरा करने की चाह में शॉट खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए राहुल त्रिपाठी, जिसके चलते 48 रन बनाकर 35 गेंदों का सामना करते हुए मोइन अली एक अच्छी पारी खेलकर आउट हुए। उनके बाद आदेश शिवम दुबे भी नटराजन की शॉर्ट गेंद को खेल बैठे, लेकिन बाउंड्री के पास खड़े थे उमरान मलिक, जिसके चलते शिवम दुबे इस मुकाबले में सिर्फ 3 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे सूफानी मुकाबले में अंबती रायडू, लेकिन अंबती रायडू भी 27 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एडन मार्करम को अपनी कैच देकर आउट
आउट होकर रह गए। उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी की वापसी हुई मैदान पर। महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी के सामने मार्को जेनसन ने शॉर्ट गेंद रखी तो उमरान मलिक गेंद के नीचे आ गए बाउंड्री के पास, जिसके चलते 3 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हुए धोनी की बड़ी विकेट मिली हैदराबाद को। उनके बाद मैच को फिनिश करने का जिम्मा था सर जाडेजा के ऊपर, लेकिन जाडेजा भी ये काम नहीं कर पाए। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार की बाहर जाती हुई गेंद को खेल तो बैठे सर जाडेजा, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार नहीं जा पाई क्योंकि गेंद के नीचे कप्तान विलियमसन ठहर चुके थे, जिसके चलते इस मुकाबले में आखिरी विकेट गिरी जाडेजा के रूप में, जो इस मुकाबले में 23 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए जाडेजा भी आउट हुए। दोस्तों अंत में आकर क्रिस जॉर्डन ने 3 गेंदों पर 6 रन लगाया और उनके साथ